वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारी सोशल स्कीम सेशन चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। हम जो है सोशल स्कीम में गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में आपको हर एक गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं, ताकि आप उन योजनाओं का लाभ ले सकें, उन योजनाओं के बारे में जान सकें, तथा आपकी जो एग्जामिनेशन पेपर होते हैं उनके अंदर भी उन योजनाओं से संबंधित जो है प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, उन प्रश्न उत्तरों का सही सही जवाब दे सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो आपका सेशन है सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, अर्थात जो एजुकेशन क्षेत्र से हैं या फिर जो एक समाज के क्षेत्र से समाज में रहते हैं, तो उनको भी यह जानकारी का अनुभव होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताएं तो हमारी जो आज की योजना है वो राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित योजना है, जिसका नाम है मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, मगरा रूरल डेवलपमेंट स्कीम। जो मगरा रीजनल डेवलपमेंट स्कीम है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये योजना के प्रारंभ की बात करें तो वर्ष 2005-06 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। मगरा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, मगरा क्षेत्र होता क्या है, तो पहाड़ राजस्थान के अंदर मगरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से घिरा राजस्थान का दक्षिण और मध्य के बीच में जो है पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ स्थान है, जिसमें आते हैं जिले राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले आते हैं, जो जनजातीय क्षेत्र के विकास के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात यह क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के विकास के अंतर्गत नहीं आता है, उस क्षेत्र को मगरा क्षेत्र कहलाता है, ऐसा क्षेत्र मगरा क्षेत्र कहलाता है। अन्य शब्दों में बात करें तो राजस्थान के दक्षिण मध्य में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है तथा जहां अन्य पिछड़ी जातियां अल्पसंख्यक लोग का अधिवास होता है, उस क्षेत्र को यहां पर अल्पसंख्यक या मगरा क्षेत्र कहा गया है, अर्थात उसे मगरा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस मगरा क्षेत्र की बात करें, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करें तो मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास के साथ साथ उन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का सुधार करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए जल ग्रहण, इस योजना के अंतर्गत जो विकास के अंतर्गत शामिल करें तो जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इन योजनाओं में इस क्षेत्र के अंतर्गत विकास किया जाता है, मगरा इस योजना के तहत इन इन क्षेत्रों में विकास किया जाता है। आवेदन की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें, तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन, देखिए यह योजना जो है राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित है और मगरा क्षेत्र विकास योजना के स्वीकृति का एवं क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी जो है जिला स्तर एवं जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ होती है। राज्य स्तर में जो है बात करें तो अनुमोदन कार्य योजना के अंतर्गत कार्य की स्वीकृति दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है मगरा क्षेत्र के विकास के लिए जो फंडिंग की जाती है और मगरा क्षेत्र क्या होता है यह भी आपको पता लगा, और एक मगरा क्षेत्र के लिए स्पेशल फंडिंग की जाती है उस क्षेत्र का विकास करने के लिए। फ्रेंड्स, तो आप भी यानी अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ पर लगा, इस चीज़ की जानकारी RTI के माध्यम से मगरा क्षेत्र विकास योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कितना प्राप्त पैसा लगा रहा है, कौन से अधिकारी ने कहां पर किस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत पैसा फंडिंग किया है, अधिकारियों ने कहां कहां पैसा लगाया, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा काम था एक योजना जो है आपके जो है मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के नाम से भी चलती है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत चलती है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना। फ्रेंड्स, इस योजना के बारे में इतनी ही जानकारी है, अगली योजना के बारे में हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।